से मैं आप सभी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग रखूंगा। प्रसंग के साथ हमने सोचा है कि सारे श्लोक को हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में अनुवाद करते हुए इस गीता को आगे बढ़ाते हुए इसका सारा वर्णन करूंगा। श्लोक शुरू करने से पहले हम सब पहले प्रसंग और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद हम प्रत्येक दिन श्लोक के साथ आएंगे और इसका वर्णन करते हुए इस अध्याय को ख़त्म करते जाएंगे और अंततः हम सारे गीता का जितना भी श्लोक है उसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के अनुवाद के साथ इसे हम समाप्त करेंगे। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए इससे रिलेटेड आगे का ज्ञान देते हैं आपको और फिर प्रसंग करते हुए हम श्लोक पे आएंगे। तो श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उनकी अवतारणा के रूप में है। इनमें दोनों ओर के प्रधान प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधु नाश की आशंका उत्पन्न मोहन जति विषाद का वर्णन है, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। इसी के साथ अब हम प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। पांडवों के राक्षसत्र यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर युधिष्ठिर के मन में भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की संपत्ति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्त्र हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि द्रौपदी आदि पांचों भाइयों द्रौपदी सहित 12 माह वन में रहें और 1 साल छिप कर रहें। इस प्रकार 13 वर्ष का समस्त राज्य का दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद ना खुले जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 वर्ष बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुँचे। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर बैठ जाता और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही भगवान ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिखाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपको एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्मान्य हैं, इसलिए आपको मेरे ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है। मैं 2 प्रकार से सहायता करूँगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं, जिसमें से मैं ना तो युद्ध करूँगा और युद्ध ना करने का प्रण करके अकेले रहूँगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। अर्जुन ने शत्रुनाशक नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन जब मैं युद्ध ही नहीं करूँगा तब तुमने क्या समझ के नारायणी सेना को छोड़कर मुझे स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करूँगा? भक्त वक्त भगवान ने अर्जुन के इच्छा उनके रथ के साथ रहने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। आस्तु।
जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकता। यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित सत्व प्राप्त करने के लिए पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर दिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान देवव्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उन्हें कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वितरित सुनाएंगे, युद्ध की समस्त घटनाओं को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वितरित सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन दिया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगभग 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिर गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उन्हें सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूहरचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यही है श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इनके आरंभ से ही धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। इसी प्रश्न के साथ हमारा गीता का पहला श्लोक हमारा शुरुआत होता है और इसी के एक एक करते हुए हम सारे गीता के श्लोकों का वर्णन करते हुए इसे हम संपूर्ण तरह खत्म करेंगे। सो आगे हम देखते हैं कि गीता का पहला श्लोक